नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ गांधी जयंती पर भाषण, जो कि हिंदी में होगा, और इसे मैंने बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में बनाया है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय अध्यापकगण, अभिभावकों और यहाँ उपस्थित मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, आज 2 अक्टूबर है, जो कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, और हम सब यहाँ गांधी जयंती मनाने इकट्ठा हुए हैं। मेरा नाम गोपाल है और आज मैं महात्मा गांधी के बारे में 2 शब्द कहूँगा। सबसे पहले मैं अपने शिक्षक दीपक सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आज इस मौके पर अपना विचार आप लोगों के साथ साझा करने का अवसर मिला। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, पर वे बापू के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध थे। उन्हें राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे, जो गुजरात में स्थित है, और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी बचपन में साधारण बच्चों की तरह ही थे। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में विद्यालय जाना शुरू किया। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिसका विवाह गांधी जी से 17 वर्ष की आयु में हुआ था। गांधी जी अपना 10वीं और कॉलेज की पढ़ाई पूरा करने के बाद कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। कानून की पढ़ाई पूरा करने के बाद वे वापस अपने मातृभूमि लौट आए। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महान नेता थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए कड़े संघर्ष किए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ महान और ऐतिहासिक आंदोलन को भी शुरू किया, जिसे हम सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। और 1942 में उन्होंने एक और आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन था। ये आंदोलन भी अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से भगाना था। और अंत में उनके सफल नेतृत्व में देश को अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर लिया गया। अतः अंग्रेज भारत छोड़ दिए। आज़ादी के बाद गांधी जी नोआखली एक दौरे पर गए, जहां हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां चल रही थी। यह जानकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि आखिर हम आपस में क्यों लड़ते हैं, हम सबको एक साथ रहना चाहिए। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सभी देशवासी आपस में प्रेम पूर्वक रहे। उन्होंने कुछ दिन तक वहाँ अनशन भी किया, पर दुर्भाग्यवश वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाए। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी समाधि राजघाट दिल्ली में स्थित है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल सकेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।